माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद फूलपुर में दूसरा बड़ा चुनाव होने वाला है। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी यहां से जीत चुकी है। अब तैयारी फूलपुर का विधानसभा उपचुनाव जीतने की है और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ए टू जेड पूरी स्टडी की है। फूलपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली पहुंचे। बीजेपी आलाकमान से उपचुनाव को लेकर मंथन शुरू हुआ। इनमें फूलपुर सीट भी शामिल है। सूत्रों का दावा है कि इस सीट से बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि जिन प्रवीण पटेल के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है वो 2022 में बीजेपी के खाते में आई थी। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पास फूलपुर से 40 नामों की लिस्ट भेजी गई थी, जिस पर बहुत मंथन करने के बाद 3 नामों को दिल्ली लेकर आया गया। योगी की पूरी कोशिश है कि इस बार ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जाए जो माफिया के इलाके में लगातार तीसरी विधानसभा जीत दिला सके। साल 2017 में बीजेपी ने पहली बार फूलपुर में जीत हासिल की। ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस दौरान अतीक अहमद का इस पूरे इलाके में सियासी दबदबा था। माफिया अतीक अहमद ने 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद साल 2018 में उसने फिर से फूलपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। कहते हैं कि उस दौरान अतीक अहमद भले ही जेल में था, लेकिन उसकी सल्तनत पूरे इलाके में चला करती थी। वैसे तो अतीक का चकिया इलाका इलाहाबाद पश्चिम सीट में आता है, लेकिन चकिया से फूलपुर की दूरी महज 37 किलोमीटर है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस इलाके में भी माफिया की कितनी धमक होगी, खासकर तब जब फूलपुर में अतीक अहमद और उसके गैंग का दायरा बहुत व्यापक था। सितंबर 2024 में अतीक की 8 करोड़ की 3 बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया गया, तो उसमें से एक फूलपुर में थी। 2021 में अतीक ने पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर 7 करोड़ की संपत्ति को महज 4.5 करोड़ में फूलपुर में ही खरीदा था, जिसके बाद इसे ईडी ने कुर किया। अभी अतीक के और भी चैप्टर खोले जाने हैं। ऐसे में बहुत संभव है फूलपुर के विधानसभा उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ इसे बड़ी जोर शोर से उठाएंगे। विधानसभा या लोकसभा में उसका असर उस व्यक्ति के लिए कम देखने को मिलता है, दूसरे जगहों पे उसका असर पड़ता है। चूंकि अतीक नहीं है, शायद जीवित रहता तो कम असर दिखता, लेकिन चूंकि मर गया है तो इसलिए इस बार वो अगर अतीक के परिवार वाले और उसके लोग जिसके लिए कहेंगे तो मुस्लिम मतदाता वैसे भी समाजवादी पार्टी में विश्वास करता वोट डालने में, तो इस बार तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़े पैमाने पर उसको मुस्लिम वोट मिलेगा समाजवादी पार्टी को फूलपुर से। माफिया योगी आदित्यनाथ की फेवरेट पिच है और जब वो माफिया के गढ़ में होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। फूलपुर की सीट उनके लिए बदलापुर की तरह है। यहां से जीतने का मतलब 2027 के चुनाव की तैयारियों को आश्वस्त करना है। यहां से बीजेपी की जीत का मतलब माफिया अतीक के गैंग को पनपने नहीं देना है। इसके अलावा बीजेपी की सीट को अपने पास बरकरार रखने का चैलेंज भी है। वैसे भी योगी को चैलेंज एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ा मजा आता है। इसी सितंबर महीने में फूलपुर दौरा करने वाले योगी ने साफ साफ संदेश दिया था, माफिया का सफाया हो चुका है, अब बारी अपराधियों की है। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। फूलपुर का उपचुनाव योगी वर्सेस माफिया के फॉर्मूले पर होगा, तो अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले की काट निकालना भी योगी के लिए टास्क की तरह है। फूलपुर में देखा जाए तो ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में रहता है, जिनमें 70,000 यादव हैं, पटेल 60,000 हैं, मुस्लिम वोटर का आंकड़ा करीब 50,000 है, तो ब्राह्मण मतदाता 45,000 के आसपास है, यानी 50% से ज्यादा यही वोटर हार जीत तय करते हैं।
इसके अलावा एससी वर्ग के 75,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000 और क्षत्रिय मतदाता 15,000 के आसपास हैं। लोकसभा चुनाव में फूलपुर इलाके में समाजवादी पार्टी को 18,000 की लीड मिली थी, जिसमें बड़ा योगदान मुस्लिम और यादव वोटर्स का था। इसलिए अखिलेश को उम्मीद है कि इस बार भी यही पैटर्न जारी रह सकता है और इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव खेला है। मुस्तफा सिद्दीकी को अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए फूलपुर सीट से मैदान में उतारा है। मुस्तफा सिद्दीकी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रभारी थे, हालांकि बीजेपी को जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। तब बीजेपी के प्रवीण पटेल को 1,03,557 वोट मिले थे, जबकि सपा के मुस्तफा के खाते में 1,08,25 वोट आए, यानी महज 2,732 वोटों से हार मिली थी। इस बार मुस्तफा के नाम का अनाउंस उपचुनाव के लिए हुआ तो उनका विरोध भी शुरू हो गया। सपाई कार्यकर्ता नाम बदलने की डिमांड कर रहे हैं और इस पूरे सिनेरियो पर केशव प्रसाद मौर्य की पूरी नजर है। बीजेपी ने सीट का प्रभारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बनाया है, वही पूरी रणनीति बना रहे हैं। कैंडिडेट के नाम में भी उनकी रजामंदी होगी। फिलहाल माना जा रहा है कि बीजेपी किसी पटेल या दूसरे ओबीसी चेहरे पर दांव खेल सकती है। समाजवादी पार्टी को वोट वो मिलता है जिसके खिलाफ लोग अत्याचार करते हैं, और उत्तर प्रदेश के जिस जिस जिले में अत्याचार हुआ है उसके अगेंस्ट में आप उठा के देख लीजिए, चाहे लोकसभा हो पूरा चुनाव, समाजवादी पार्टी वहां जीती है। तो निश्चित तौर पे अगर समाजवादी पार्टी इस फूलपुर के उपचुनाव में भी अपनी जीत को दर्ज करेगी, इलाहाबाद की सीट समाजवादी गठबंधन दल ने जीता है, तो ये भी चुनाव जीतेंगे। और किसी का इम्पैक्ट हो या ना हो, लेकिन इस बात का इम्पैक्ट उस सीट पे जरूर रहेगा कि अत्याचार करने वाले सत्ता में नहीं जाएंगे। क्यों योगी आदित्यनाथ फूलपुर की जीत के लिए हार्ड हिटिंग लाइन ले रहे हैं, तो उसके लिए इस वीडियो को देखिए। ये माफिया अतीक अहमद के पांचवे और सबसे छोटे बेटे का लेटेस्ट वीडियो है। उम्र से नाबालिग है, इसलिए चेहरा और नाम सामने नहीं लाया जा सकता, लेकिन मूंछों पर ताव देते पिता की तस्वीर लगाकर ये बता रहा है कि उसकी हरकतें भी माफिया अतीक से जुदा नहीं। वीडियो पर दो जगह कैप्शन लिखा है और दोनों ही जगह बाप के नाम का इस्तेमाल। सवाल यह है कि अतीक अहमद का बेटा क्या पिता के पद चिन्हों पर चलने की ख्वाहिश रखता है? वो अतीक गैंग संभालने के लिए तैयार हो रहा है, क्या ये जताने की कोशिश कर रहा है, या फिर अपने नाबालिग होने का बेजा फायदा उठाकर अतीक अहमद के नाम का इस्तेमाल कर रहा है? ये वीडियो बहुत ज्यादा पुराना नहीं, अतीक अहमद के चौथे और पांचवे बेटे को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाल सुधार गृह से रिहा किया गया तो हटवा की सड़कों पर कार और बाइक का काफिला नजर आया। अतीक समर्थकों ने घोड़े भी सड़कों पर दौड़ाए। माफिया के बेटों की रिहाई का ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे कभी अतीक का जेल जाने से पहले रौला हुआ करता था। इस वीडियो के सामने आने के बाद यही कहा गया कि रस्सी जल गई मगर ऐंठन कम नहीं हुई। सभी माफिया गैंग्स की मॉनिटरिंग संबंधित जनपदीय पुलिस और एसटीएफ द्वारा की जाती है। कोई भी माफिया गैंग अब दोबारा ना उभरे, इसके लिए लगातार कोशिश जारी है। अली अहमद हो या फिर उमर अहमद, अतीक जादों की हिस्ट्री किसी से छिपी नहीं। माफिया के जेल जाने के बाद विरासत में मिले पिता के खौफ की सल्तनत को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए अली अहमद पर 12 केस दर्ज हुए। उमर अहमद पर 3 केस हो चुके हैं। चौथा बेटा अहजम उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी है। अतीक फैमिली के गुनाहों के इस लिस्ट को देखकर पुलिस नाबालिग बेटे के वीडियो को हल्के में लेने के मूड में नहीं। अब जाहिर है माफिया डॉन अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे बाहर हैं, दोनों अपने रिश्तेदारों के पास हटवा में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि चाहे चकिया हो या फिर फूलपुर इलाके की कोई भी अपडेट उन तक नहीं पहुंच पा रही हो, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर उनके पिता के खौफ के जो सबूत हैं वो गवाही देते थे। तो संभव है कि दोनों इलाकों की जानकारी उन तक पल पल की जो रिपोर्ट है वो पहुँच रही हो, और यही कारण है कि हटवा से लेकर फूलपुर तक अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटों पर पुलिस की नजर इस वक्त बनी हुई है।
प्रयागराज में उमेश पाल के मर्डर के बाद जब अतीक की पत्नी और उसके रिश्तेदार फरार हुए तो इस फूलपुर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। माफिया फैमिली के फरारी के बाद से ही योगी का संदेश साफ है, माफिया भी मिटेगा, माफिया की सल्तनत भी ढहेगी। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई, अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस वक्त कहाँ है, ये सवाल करीब डेढ़ साल से यूपी पुलिस के सामने प्रश्न चिन्ह की तरह है। लेकिन अतीक गैंग के गुर्गों के जिस तरह एक्टिव होने की खबर मिलती है उससे फूलपुर में भी हलचल बढ़ जाती है। कसारी मसारी, पूरा मुफ्ती, फाफामऊ, झूसी, नैनी और सोराव, ये सब इलाके कुछ ही दूरी के दायरे में फैले हुए हैं और अतीक के रिश्तेदारों से लेकर उसके गैंग से जुड़े लोग यहाँ बड़ी तादाद में बताए जाते हैं। इसी खतरे को देखते हुए प्रयागराज की खुलदाबाद पुलिस ने अतीक के बेटे अली और उमर की हिस्ट्री शीट खोल दी तो करेली पुलिस ने अली पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी कर ली है। गैंगस्टर का मतलब ऐसा अपराधी जो किसी गिरोह का मेन सदस्य होता है, उस पर एक साथ कई मुकदमे पहले से दर्ज होते हैं, उसकी कमाई का जरिया ही अपराध और काली कमाई होती है। अतीक का खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम भी अभी तक मिला नहीं और वो भी फूलपुर की गलियों से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में कहना कि माफिया गैंग का पूरी तरह खात्मा हो गया ये ठीक नहीं, इसलिए योगी बार बार माफिया पर जोर दे रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। जैनब फातिमा पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 25,000 की नामी है। फरार चल रही आयशा नूरी पर भी 25,000 रुपए रखे गए हैं। 5,00,000 के इनामी शूटर साबिर को भी पुलिस सर्च कर रही है। 5,00,000 का इनामी अरमान भी पुलिस के रडार पर है। गुड्डू मुस्लिम पर भी पुलिस ने 5,00,000 का इनाम रखा है। और इन सब की प्रॉपर्टीज के संबंध में बहुत से राज खोले हैं। हो सकता है कि शाइस्ता की लोकेशन भी के संबंध में भी सटीक सूचना दी हो, वह गिरफ्तारी शीघ्र ही संभव हो सके। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम लंबे समय से फरार हैं तथा उनका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक है। योगी आदित्यनाथ के लिए फूलपुर की सीट जितनी अहम है उतना ही फोकस मिल्कीपुर पर भी है, यानी अयोध्या के मिल्कीपुर सीट जीतकर योगी बदला लेना चाहते हैं जिसके इंचार्ज वो खुद हैं। योगी मिल्कीपुर इसलिए जीतना चाहते हैं क्योंकि फैजाबाद लोकसभा की हार का बदला पूरा हो सकेगा। राम मंदिर और हिंदुत्व की लहर बरकरार है, मिल्कीपुर जीतकर ये संदेश भी देना चाहते हैं। इसके लिए योगी मोहित खान का मुद्दा उठा रहे हैं तो अयोध्या के विकास की गाथा भी गिना रहे हैं। अब तो योगी को अखिलेश के परिवारवाद पर भी हमला करने का मौका मिल गया है क्योंकि फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से टिकट दिया है। मिल्कीपुर की सीट कोई समाजवादी पार्टी की मिल्कियत नहीं है। समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव जीती है लेकिन उससे पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल वहां खिला था। और इस बार उपचुनाव में मोहित खान का मुद्दा बहुत वहां गर्म है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बलात्कारी मोहित खान के पक्ष में खुलकर के बचाव कर रहे हैं। यह आज अयोध्या की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि लोकसभा के चुनाव में अयोध्या की जनता से कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी चूक हो गई जो समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं को जिता कर भेज दिया जो आज दुष्कर्मियों के साथ बेशर्मी से खड़े हैं। नाथ प्रभारी है उसके, ये हमारे लिए अच्छा है। एक बार योगी आदित्यनाथ को धूल चटाया है गोरखपुर में, अब निश्चित तौर पे मिल्कीपुर और कटेरी में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ को शर्मसार होना पड़ेगा क्योंकि जबरदस्ती का ऐसा प्रोपोगंडा किया जा रहा है इन दो सीटों पे कि योगी आदित्यनाथ आ गए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वहां की जनता के बारे में जानिए ना। यूपी के उपचुनाव का ऐलान होने में बहुत कम वक्त बचा है और बीजेपी की लिस्ट भी किसी भी वक्त सामने आ सकती है। कौन बीजेपी के मिशन को मिल्कीपुर और फूलपुर में मुकाम तक पहुंचाएगा, ये तय होते ही योगी अगली रणनीति पर जुड़ जाएंगे। बहुत संभव है योगी फूलपुर पहुंचेंगे तो उनका वही अंदाज दिखेगा
यानी माफिया पर धारदार और तल्ख तेवर। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।